एक बहुत ही छोटा सा सवाल है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे पावर्स हो जिससे आप लोग पास्ट में जाके कुछ आत्माओं से बात कर सकते हो, यानी कि उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ किस वजह से हुई और लास्ट के 1 घंटे यानी कि उनकी मौत के 1 घंटा पहले उनके साथ क्या हुआ था, अगर ये चीज़ आप उन आत्माओं से पूछ सकते हो तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ ऐसे पावर्स है जिससे हो चुकी चीज को बदल सकते हो तो आप लोग क्या करोगे? या इन दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में देना। खैर, अब हम लोग बात करेंगे द लास्ट आवर्स, जो कि एक इंडियन वेब सीरीज है। ये आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाती है। टोटल 8 एपिसोड्स है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 26 मिनट से लेकर 40 मिनट्स के बीच में ये और शो की कहानी स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट। फाइनली नाम सही लिया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियोस ट्राई किए ना उसमें बहुत रीटेक लेने पड़े। नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर हमें नज़र आते अरूप सिंह, जो कि सबसे पहले मुंबई में थे लेकिन यहाँ से उनकी पोस्टिंग होती है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया के उन स्टेट्स में से एक है जहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है। तो अब ऐसे में अरूप के जाते ही वहाँ पर एक बंगाली एक्ट्रेस की डेड बॉडी मिलती है। तो अब अरूप को किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब अरूप की मुलाकात होती है देव से, जो कि एक जाकरी है। अब ये जाकरी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताता हूँ। खैर, अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आती है सबसे जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि जाकरी का मतलब क्या होता है। ये एक नेपाली वर्ड है समन का। समन मतलब एक तरह का तांत्रिक होते हैं जो कि नेपाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में हमें नज़र आते हैं। अब इनसे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा मालूम करना तो भाई गूगल पे जाओ, वहाँ पर R&D करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा यार। खैर, शो के अगर कॉन्सेप्ट की बात करो तो यार यूनिक, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनको शो में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा, और जैसे शो प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे उनके बारे में यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बताई जिससे आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है क्योंकि शो की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई है, जो कि हमारे इंडिया के बहुत ही खूबसूरत स्टेट्स में से एक है। दिन में कितनी खूबसूरत लगता है और वो चीज़ आप यहाँ पर महसूस करोगे, रात में वही सेम चीज़ कितनी स्कैरी लग सकती है वो भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताया। BGM बहुत ही गजब का है, वो जो हॉन्टिंग BGM या कह सकते हो जो स्कैरी BGM होना चाहिए इस तरह के शोज़ में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का वो जो बंदा है कामराज, जिसने यहाँ पर मेन लीड प्ले किया एज देव, उनका परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। द वे ही स्पीक्स, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे बहुत ही कमाल के थे। हाँ, संजय कपूर ने भी अपने पुलिस ऑफिसर के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और सुहाना गोस्वामी और जो लड़की यहाँ पर परी का रोल प्ले कर रही है, उन लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट ही था। शो की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो टाइम ट्रेवल या कह सकते हो पास्ट में जाना और वो सोल से बातें करना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस तरीके की चीज़ें हम लोग इंडियन OTT प्लेटफॉर्म में तो आज तक नहीं देखे। सबसे इस पर्टिकुलर शो को अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए ऑडियंस का। शो को अच्छी तरह से एडिट किया, लेकिन मेरे ख्याल से 5th एपिसोड के बाद शो की जो पेसिंग है वो ऐसे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्लो हो गई और चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही ट्रैक किया जा रहा है। तो वहाँ पर एडिट थोड़ा और अच्छी तरह से कर सकते थे, और इसके 1 एपिसोड यानी कि 8 के बदले अगर 7 एपिसोड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ये सिर्फ एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाया गया है, क्योंकि 5th और 7th एपिसोड में आपको कुछ एडल्ट सीन देखने को मिल जाते हैं। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो, इट्स अ यूनिक शो, जो कि हर एक इंसान को एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो और हाँ, एंडिंग को लेकर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, तो उस क्वेश्चन को चलने दो यार, कुछ तो हो, खाली खाली दिमाग भंगार बन जाता है, कुछ तो चलने दो यार। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।